जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ियों को लगातार मौके दिए और इन्हें अपना खेल निखारने का मौका मिला, क्योंकि इन्हें भारतीय टीम में स्टेबल रहे तो इन्हें इनकी जगह फिक्स लगी तो इन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को किसने मौका दिया? कौन वो खिलाड़ी था जिसने महेंद्र सिंह धोनी को बताया? हम बात करते हैं, जब महेंद्र सिंह धोनी ने डेब्यू किया बांग्लादेश के खिलाफ तो शुरुआती 3 मैचों में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। फिर उसके बाद भारत के और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय श्रृंखला खेली गई, जिसमें पहले मैच में महेंद्र सिंह धोनी कुछ नहीं कर पाए। इस तरह से शुरू के जो 4 मैच थे उनमें महेंद्र सिंह धोनी का प्रदर्शन बिल्कुल भी प्रशंसनीय नहीं था। और आपने महेंद्र सिंह धोनी पर आधारित जो मूवी आई थी उसमें भी देखा होगा कि जब महेंद्र सिंह धोनी रात्रि के समय अपने रूम में विश्राम कर रहे होते हैं तब उनके दोस्त संतोष का फोन आता है और वो कहता है कि माही तुम नंबर 3 पर खेलो। तो महेंद्र सिंह धोनी अपने दोस्त से कहते हैं कि अभी तो मेरी प्लेइंग 11 में जगह भी पक्की नहीं है, नंबर 3 पर खेलने की दूर की बात है। तभी रात्रि के समय महेंद्र सिंह धोनी को सौरभ गांगुली का फोन आता है और कहता है कि माही तुम प्लेइंग 11 में हो। जब दूसरे दिन सुबह मैच शुरू होता है, भारत टॉस जीत जाता है तो सौरभ गांगुली कहते हैं कि यार इसको महेंद्र सिंह धोनी को कैसे खिलाड़ी बनाया जाए, कैसे इसको मौका दिया जाए, क्योंकि इसके अंदर दम है, एबिलिटी है, कुछ बड़ा कर सकता है। तो उन्होंने खुद तीसरे नंबर पर नहीं जाकर महेंद्र सिंह धोनी से कहा कि माही तुम नंबर 3 पर खेलोगे। तो माही ने सौरभ गांगुली से कहा कि फिर आप कौन से नंबर पर खेलोगे दादा? तो गांगुली ने कहा कि मैं नंबर 4 पर जाऊंगा। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने गए महेंद्र सिंह धोनी ने 148 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और भारत वो मैच जीत गया। इस तरह से जो महेंद्र सिंह धोनी की एबिलिटी थी उसको बाहर लाने में सौरभ गांगुली का बहुत बड़ा हाथ है। अभी हाल ही में गौरव के साथ एक गांगुली का शो हुआ, उसमें गांगुली ने महेंद्र सिंह धोनी के बारे में यह बात बताई। दोस्तों, इस किस्से के बारे में आपको पहले कितनी जानकारी थी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।